प्रॉमिस दी। थैंक यू सो मच जीतू और वसीम। हम अभी बात करेंगे हैदर सुल्तान साहब से। मुझे ये बताइए, ये जो शरीके दी अग है, ये थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप इस पे बात करें। जी, शरीके दी अग जो फिल्म हमारी है वो बेसिकली शरीके के ऊपर ही है। दुआ बसे फैमिली के पास सारी जो भी तसल चलेगी जो भी है। कास्ट में मेरे साथ में मोमी है, मैं हूँ, नवाज खान है। कास्ट बहुत अच्छी है हम सारे ओवरऑल। तो हम ट्राई करते हैं कि रोल हमेशा सुन के साइन करें, क्योंकि मेरा हमेशा आप तीनों का शरीका है, मेरा और मोमी का। तो लोगों को पता चले ना कि शरीका है कि नहीं। अगर इधर ही हम बता देंगे तो फिर सिनेमा भी हो जाएगा देखने। और जो शरीके की आग है उसकी वजह क्या है ये भी नहीं वो भी लोग जाके देखेंगे, देखेंगे तो पता चलेगा। हैदर साहब ने जो नाम शरीके दी आग ही होती वजह शरीके दी आग की बहुत ही पैड़ी होती है जी। बाकी इसमें ये है कि ओवरऑल ट्राई हमेशा रहती है कि अच्छा स्क्रिप्ट दिया जाए। मैंने बहुत टाइम से मैं अपने एक फिल्म्स का मैं कर रहा था कि एक सॉफ्ट स्पोकन चॉकलेट हीरो का गाने गा रहे हैं डांस, वो मैंने थोड़ा सा अपना इमेज चेंज किया, क्योंकि मैंने पब्लिक में जब देखा कि अब जो मुझे लोग मिलते हैं कहते हैं जी हमें अपने राय साहब नजर आते हैं, ये ट्राई कर रहा हूँ कि उनको वो चीज़ दूँ। तो अग्रेसिव एक्शन फिल्म करने में अब मैंने स्टार्ट कर दी है। 100% उनका मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो माशाल्लाह एक ही थे, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा अंग उनका अपने मिला के फ्यूजन करके मैं कर रहा हूँ, तो लोग उसको बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। ये फिल्म हमारी ईद पर लगी है, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। शरीके दी अग है और पेशी गुजरा दी। बहुत अच्छे के बाद ऐसा हुआ कि मेरी दो फिल्म्स ईद पे इकट्ठी लगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी आने वाली फिल्म के लिए जो बड़ी ईद पे इंशाल्लाह ताला हम लोगों को सरप्राइज देने जा रहे हैं, क्योंकि मोर देन 35 ईयर्स हो गए हैं इस फिल्म का। वो रीमेक नहीं बना इसका, लोग वेट कर रहे थे। तो फिल्म का नाम है पुत्र मौले जट का। मुझे बहुत देर से लोग कह रहे थे कि आप वो फिल्म क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रिप्ट उसका फाइनलाइज हो चुका है, नासिर अदीस साहब ने लिखी है। माशा वाह क्या बात है, जिन्होंने पहली फिल्म भी लिखी थी। बिल्कुल, मैं यही कहने लगी थी कि पहले और हमने अब स्क्रिप्ट पे इतना हम लोग काम कर रहे हैं कि ताकि वो उससे ऊपर आएगी तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही, इंशाल्लाह जी। ऑल द बेस्ट जी। मुझे ये बताइए कि आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया, कि आपने अभी पहले तो आप रोमांटिक जितनी भी मूवीज आपकी आई हैं तो आपने वो ये एक्शन मूवीज में मेरा सबसे शुरू से था कि मैं अपने स्टाइल में ही आगे काम करूं ना। अच्छा मैं एक फरमाइश कर सकती हूं हैदर जी, एक फरमाइश कर सकती हूं, कोई अपना डायलॉग तो सुनाए। बिल्कुल ये हुई ना, कोई डायलॉग तो सुनाए ना, नाज़रीन को पता लगे कि किस तरीके की आग लग रही है। बिल्कुल ये ईद का समय है, कोई डायलॉग कुछ नजर तो आए ना, होश की निशानी यही वो ले ओ किस टाइप का कुछ नजर तो आए ना, हैदर बैठा हो और कोई बात ना हो। बिल्कुल जी हैदर भाई, पठानों के साथ उसमें एक बंदे का मर्डर करने के लिए भाई जाते हैं तो वहां पे जाके उसे वो कहता है कि ओए दरिया खान, पिशावर तो लेके काबुल तक सारे पठान बुलाए। अब आप देखने वालों को पता चल गया होगा कि इसके अंदर क्या क्या होगा जब ये स्टाइल आ जाएगा। अच्छा जी, एक तो बड़े मजे की बात, बड़ा कुछ अंदर बड़ी मजे की बात आई, यही डायलॉग जरा आप करके दिखाएं। जी तू मैनू कुछ भी कहने की कोशिश की थी ते देखी मैं तेनू इथो चुके ना इथे बिठा दांगी। जी जी जी, ये एनी भी हरकत की थी, मतलब करना था जी का शो है, प्लीज नो वायलेंस। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे पंजाबी फिल्में होती हैं, वैसे तो हम सब जितने भी सेलिब्रिटीज हैं बहुत मेहनत करते हैं, पाकिस्तानी ये लोग होते हैं ना, पाकिस्तानी फिल्म पे इतना होता है, लेकिन सब बहुत मेहनत करते हैं, ऐसे छोटा बड़ा जितना भी वहाँ पे होते हैं ना बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। अब इस बात को हम महसूस कर सकते हैं, तो अगर जो पंजाबी नहीं बोल सकते उनके साथ क्या रियायत है, उनको फिर भी पंजाबी बोलनी पड़ेगी। वो भी कर सकते हैं, फिल्म के बाद में डबिंग हो जाती है, एक्सेंट खराब हो जाता है, लेकिन ये है बोल। लेकिन ऑन सेट अब बिगिन कभी हमारी फीमेल्स जो नहीं आ रही हैं उनकी पंजाबी बहुत फ्लुएंट नहीं है जी, लेकिन ये है कि वो बोलती हैं तो डबिंग में बाद में वो हो जाता है, तो मसला नहीं होता। आप तो पंजाबी उर्दू की बात करिए ना, यहाँ तो हमारी पंजाबी उर्दू हीरोइंस पश्तो फिल्मों में काम कर रही है, उनकी भी तो डबिंग हो जाती है। देखिए काम काम है, पंजाबी उर्दू पश्तो कोई भी हो, जब आप काम करते हैं, जब अगर आप शो बिज में हैं तो वो आपके लिए काम है आपका, वो लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता कि आपको देखना पड़े कि ये पश्तो है या ये है। क्यों सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये बात बढ़ाना चाह रहा हूँ कि जब हैदर ने डायलॉग बोला तो लगा कि ये हैदर
दो फिल्में और जब इन्होंने बोला है तो पता लगा कि इन्होंने कहा वही मेरा बिस्ता वापस करो वही। अच्छा हैदर जी आपकी दो फिल्में हैं, सही कहा, गुजरांदी पेशी और छिड़कलिया, दो मूवीज़ हैं, दो फिल्में हैं जी, दो फिल्में हैं। ये बड़ी बात है, एक पाकिस्तानी हीरो की सेहत के हिसाब से डेलीगेट, उन्होंने जो शिरके की आग है ना, ये बात सही की है, खुशी नहीं होती आग होती है, ये देख लेंगे वही साहब है लगी लोकल लोकल शिरका। अच्छा माशाल्लाह शेख साहब ने ऐसे फिल्मों का नाम पूछा जैसे अभी कहेंगे दो पास हैं। मोस्ट वेलकम, जब देखना चाहे आप। ऐसी ऐसी वेरी गुड फेरी हमारे साथ है। क्या क्या जी, आप जी उर्दू अच्छा बोल लेती है या पंजाबी अच्छा बोल लेती है? उर्दू उर्दू तो मैं बोल लेती हूँ। नहीं उनके कहने पर नहीं कहना, आपने खुद से इतना डर के क्यों बोल रही है? मैं उर्दू बोल लेती हूँ, पंजाबी अब मुझे बहुत अच्छी से समझ आ जाती है। ओके चलिए आप एक क्लाइंट लेते हैं। मेरी नानो थी, मुझे कहती थी बारी बंद कर दो, मैं डीट बन के बैठी थी, मुझे पता ही नहीं था बारी कहते किसे। गाना नहीं ना सुना होगा, बारी खाली चढ़े है। मेरी आंटी ने आगे पीछे से, तो मैं समझ नहीं आ रही नानो क्या कह रही है। मेरी उर्दू अच्छी है, एक कहती मैं डीट बन के बैठी रहती थी। अच्छा अच्छा क्या बात। अच्छा एक लाइन है काफी अच्छी है। अच्छा आप सबसे एक लाइन है जी जी जी, पंजाबी में क्या? नहीं मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ये पंजाबी में कहना, और आपने पंजाबी, आप मैं बहुत प्यार करती हूँ, अगर आप मुझे ना मिले तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मरना जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं। इन पे मरना जरूरी नहीं है, मैं बेहोश हो जाए। बेहोश हो जाए चले। ये अगर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे इसकी नहीं 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 नहीं, हम ये फिर फायदा खुद से बनानी है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर आप मुझे मर जाऊंगी मर जाऊंगी मर जाऊंगी। हैदर मैं ताड़े नाल बड़ा प्यार करनी है। सही है, ठीक है ठीक है। अगर जे नहीं जे 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 तुसी ना मिले जे तुम्हें ओ ताड़ा बा, ठीक है ठीक है ठीक है, जे तुसी मेनू ना डर के कह रही, जरा फ्लो में कहो। नहीं नहीं शाबाश, एकदम आई लव यू का मतलब बता दो। आई लव यू का मतलब क्या होता है? मैं ताड़े नाल बहुत प्यार करनी है। हां बस मैंने पंजाबी में बोला। हां तो सर को बोले ना, ये पंजाबी थी जो आपने अभी पंजाबी में ये कहा है। अच्छा वसीम बाबा आपकी पंजाबी नहीं अच्छी। अच्छा जी क्या बात है, क्या मेरी गुलाब की पंजाबी। अच्छा हमारा सर एक सेगमेंट है जी, हम जितने आर्टिस्ट बैठे हैं स्टेज से शुरू करेंगे, ईद का दिन है, हर एक ने सॉन्ग गा के लाइव कोई भी गाना है, आप तो उसमें शामिल होते लास्ट टाइम। सर आपकी इजाजत से आपसे। अच्छा हाँ सर उस्ताद जी सर करते हैं, कोई सर एक लाइव सुना दे सर, लाइव कोई उस्ताई अंतरा सुना दे। हुकम करो मेघा जी, बताएं कौन सा गाना गाऊं? सर जो आपका दिल करे। नहीं आप बताओ, फिर अपना ही गाना कर दें, बंदिया मिट्टी दिया। ओए ओए नहीं, वो तो हम परफॉर्म करेंगे, आज स्पेशल ईद है तो वो परफॉर्म करेंगे, तो मैं उसकी थोड़ी सी बेस बना देता हूँ। जी 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 जी। एक हमारा गाना है सूफी, जो कि हमने बड़ा सोच समझ के बनाया, उसमें एक मैसेज है कि वेख फरीदा मिट्टी खुली मिट्टी मिट्टी दुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। उसमें फिर राग भैरवी मैंने यूज किया था कि मिट्टी विच जाना है ही सच वे, रब रब कह ले है ही सच वे, मुड़ नहीं आना सच। क्या बात, क्या बात, ये सर माशाल्लाह सही है, सच है। अब फेरी बट आप ही को गाना सुनाएंगे हमें, जिस तरह का भी आता है वो तो ये सब सुनाएंगे आप, बारी बारी आप बता दे मैं गाना गा दूंगी। मैं ना पढ़ती रही, कुछ भी सुनाइए सुनाइए, आप कोई गाना सुना दे, उन्हों को माइंड में लाओ ना, उन्हों को माइंड में ले। मिलो ना हमसे हम घबराएं, मिलो तो आग चुराएं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो ना हमसे, और बड़े मजे की बात हुई है, इन्होंने बोला कि हैदर मैं तुम्हारे बड़ा प्यार कर रही हूँ, हैदर ने रिस्पॉन्स में क्या ओके हो गया। मुझे बड़ा मजा आया। जी नेक्स्ट ओके, आगे से उन्होंने ये कहा ओके ओके सेम टू यू सेम टू यू ओके सेम टू यू। नेक्स्ट जी हैदर भाई, हैदर जी मैं जरा थोड़ी खामोशी, आप भी तो शामिल है ना इसमें? नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसे चलेगा ना सर, नहीं 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 सेम, नहीं नहीं नहीं। अच्छा जी, नो चीटिंग नो चीटिंग, चले चले जी, सर इजाजत है जाएं।
दरवाजे खुले हाय 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 बहुत बस स्टार्ट करवा लेंगे लो बुक तो चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना उतर कर देखो मौसम पल में बदल जाएगा पत्थर दिल भी पिघल जाएगा मेरी मोहब्बत में है इतना असर देखो ना देखो ना जी सर वाह वाह क्या संदल की बारी अच्छा संदल की बारी है संदल अच्छा आपने गाया है कि इसके बाद मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मैं नहीं गा सकती जी आप बताइए नहीं ये तो चिट्ठी है ना नहीं फिर सेगमेंट नहीं होगा ये सेगमेंट ला ला इसके बाद कुछ नहीं आप वही कह जी आप वही कह दे वो ये चीटिंग है। नहीं वैसे मजे की बात यह है कि उन्होंने सुर नहीं छोड़ा उसी सुर में हमें किए ला 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 थैंक यू अब वो थैंक यू सो मच हो गया वही है जी हो गया हो जाए नहीं मैंने आपका हौसला बुलंद कर दिया आप वो कर दो ना हो जाए ला 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 ओए साहब जूते ना पड़वाना हो गया है ये बहुत मेरे से आगे से वो भी तो कहो मैं चुप कर तीन गाने गवा दिए उसके चक्कर में जी वो आगे आपकी बारी आगे से वो भी कहो ना वसीम माफ कर बस कर दो अच्छा मैं खैर गाना तो नहीं आपको मैं एक शेर सुना देता हूं जी नहीं सर गाना प्लीज नहीं शेर वो गाने के शेर हैं लेकिन सर गाने भी शेर रसम जी लिरिक्स नहीं होंगे तो गाना कैसे गाया जाएगा लिरिक्स की खातिर सुना लिरिक्स नहीं तो चले आपको डेडिकेट आप ही की नजर डेडिकेट कर देते हैं बड़ा अच्छा रोमांटिक सा शेर में किसी ने सुनाया था मुझे अच्छा लग गया अच्छा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेघा की जो पहली मूवी थी ना एज हीरोइन वाज विद मी जी एक्टर फिल्म थी हीरो हीरोइन बैठे मैं फिर जाऊँ नहीं वाजी ओके दिस डेडिकेटेड टू ऑल द लेडीज जी जी ठीक है ओह थैंक नो फाइन शेर है जी तुम हो तो सब सिलसिले अच्छे लगते हैं तुम हो तो सब सिलसिले अच्छे लगते हैं मुझे तुम्हारी दोस्ती के गिले अच्छे लगते हैं अच्छे लगते हैं दूर जाना मगर लौट आना दूर जाना मगर लौट आना मुझे तुमसे तुम्ही तक के फासले अच्छे लगते हैं वाह क्या बात आपके लिए शेर है तीन हिस्से होने आपके लिए शेर है जी जी कि खुशी की आरजू में मुकद्दर भी सो गए खुशी की आरजू में मुकद्दर भी सो गए आंधी चली कुछ ऐसी कि अपने भी खो गए क्या खूब था तुम्हारा ये अंदाज दोस्तों हम दर्द बन के आए थे कांटे चुभ हो गए वाह 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 क्या बात है तकलीफ दे गया शेर बहुत ज्यादा तकलीफ दी है तो क्यों ना हम इधर कुछ अलग उलग के लिए लग रही है ओके पूर किस्म की सुपरस्टार मेघा जी जी वैसे मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए था जैसे संदल ने किया नहीं मैं अपनी एल्बम का जो तारिक भाई का और मेरा फेवरेट सॉन्ग है हमारा जो के मेरे नेम के साथ है मैं आपको उसके दो लाइन जी जरूर जी बिस्मिल्लाह जी तेरे बिन मेघा छाए ना तेरे बिन मेघा छाए ना तेरे बिन मोहे चेनाए ना तेरे बिन सरगम भी तो क्यों ना हम फिर सॉन्ग भी जी वो भी सुनते हैं शेख साहब बिल्कुल वो यही कहेंगे उधार बांधे मुझसे बातें सुन ले वही करते हैं नहीं 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 आपको भी सॉन्ग सुनाना पड़ेगा आज के स्टॉक्स ऊपर हैं कि नीचे क्या है कि आप ऐसे इतने अच्छे प्रकार बैठे हैं जी तो हम तो बिजनेस के लोग हमसे बिजनेस की बातें सुन ले चले एल्बम की डील कर लेते हैं सर शेर सुना दे शेर सुना दे हमारी कारोबारी लोगों की लाइफ बड़ी टफ होती है जाती अच्छे पले हैं तो बहुत बहुत टफ होती है ऐसे नो डाउट और जब डॉलर बहुत ऊपर जा रहा हो तो फिर तो क्या ही बात है ऐसे हम आपको
لوگوں کو دیکھ کے آپ خود نہیں نہیں آپ سر ماشاءاللہ چلیں گے. اچھا جی سر ایسا کرتے ہیں ابھی فلک بٹ بیٹھی ہے مختار صاحب اور رایت طاہر صاحب سر ایک ایک سانگ آپ کی طرف سے آنا چاہیے کیونکہ رسم ہے. ہاں جی نہیں نہیں ایک تو سنانا پڑے عید ہے سر عید ہے آج تو میرے خیال ہے جو مغل صاحب ہے نا مغل صاحب جو رائٹ پہ بیٹھے ہوئے ان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. نہیں مختار صاحب مختار صاحب اے سی پورا آئے گا جی سر سنیے گا سر ذرا گانا رہن دیو یار کھانا نہیں رہن دیو آئے دیو تھاڑی میں جی سر سنا دے عید کا دینا سر جو جو سندل نے سنایا نا ہو جائے گانا ساڈے کول لا 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 آج سارے گانے میگا جی سے سنیں گے کیونکہ اتنی سپر اسٹار ہماری آرٹسٹ. میں نے کہا سر آپ حکم کریں میگا جی اگر گانا سنائیں تو کیا ہی بات ہے سر وہ بھی سنائیں گی ماحول بنا ہوا ہے موسم بھی بنا ہوا ہے چلیں جی چلیں جی ہم میگا جی میگا جی سب پہلے میگا جی کا گانا. ہاں بالکل بالکل صحیح ہے سوچنے کا موقع تو دو وسیم کیا ان کو سوچ لیا ہے ہمارا آخری فیصلہ میگا جی کا گانا ہوگا. سارے سارے آڈینس ناظرین بےتاب بیٹھے ہیں کب سے میگا جی کو آپ نے بٹھایا اور گانا نہیں گا رہی وہ تو یہ تو بہت تشنگی دور ہوگی جب میگا جی گانا گائیں گے پھر ہمیں ہوش آئے گی. فلک بٹ ذرا سنائیں ذرا جی فلک فلک تھوڑا سا تمہارے پاس ڈائری کا آخری صفحہ نا وہ والا گانا سناؤ. وسیم آپ مجھے معافی کیوں نہیں دیتے؟ نہیں دے سکتے ہمیشہ شو شروع ہونے سے پہلے اسپیشل آ کے کہتی ہوں گانا مت گوانا یہ پھر مجھے گانا گواتے ہیں. چلیں سنا دیں وہ بھی یہی کہتی تھی دیکھا گانا یاد کیا دیکھیں اچھا تو پھر سنائے نا کیوں شرما رہے ہیں. چلو گانے میں نا سندل کا لالا لا بیچ میں آنا چاہیے ٹھیک ہے کیا آنا چاہیے لالا لا ہائے ہائے وہ لالا شاور گیا ہے لالا کے بھول گئی لالا چائے لینے گیا ہے لالا کہاں گیا مجھے بتا کے نہیں گیا جسٹ ون لائن اوکے ویسے زیادتی ہے اتنے بڑے سنگرز کے سامنے چھ مونس استاد بیٹھے ہیں شاید آپ کو اڈاپٹ ہی کر لیں او مائی گاڈ نہیں کچھ اور جی جی شاد سر شاد میں بسے ہو تم ہاں آنکھوں میں بسے ہو تم تمہیں دل میں بسا لوں گی آنکھوں میں بسے ہو تم تمہیں دل میں بسا لوں گی جب چاہو تمہیں دیکھوں آئینہ بنا لوں گی. تھینک یو گڈ فلک بٹ آپ نے کہا کس کو ہے یہ آپ کبھی حیدرآباد کی طرف دیکھ رہی تھی کبھی استاد جی کی طرف دیکھ رہی نہیں میری طرف اس لیے دیکھ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میری چیئر بھی ادھر رکھی ہے میں بھی سنگر ہوں میں اس لیے دیکھ رہی تھی کچھ غلطی ہو رہی ہے تو پلیز معاف کر دینا آپ غلطیاں کریں آپ معاف. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں اس سیگمنٹ کا کنکلوژن کیا ہے ان کا آپ کو آپ ہم سانگ سنیں گے آپ کا جی رائے صاحب ذرا پلیز آپ کو شاعری یا کوئی سانگ جو بھی میرا خیال ہے کہ فارمیٹ آپ نے تھوڑا سا چینج کیا تھا وہی رول یہاں پہ بھی امپلیمنٹ ہونا چاہیے تو ایک شعر آپ سب کی نظر میں کرتا ہوں جی پلیز کہ پھر کیا ہوا اگر مجھ میں جرت اظہار نہیں واہ پھر کیا ہوا اگر مجھ میں جرت اظہار نہیں اب نظروں کی زبان بھی تو سمجھتے ہوں گے. آپ نظروں کی بات کرتے ہیں پھر کیا ہوا آج ہم اپنے سانگ کی بات کرتے ہیں میگا جی جی پھر آپ سے شروع کرتے ہیں جی ٹھیک ہے چلبلا سا سانگ سر تو پھر پارٹی ہو جائے ایسی پارٹی چاہیے جی عید کا سمے اور پارٹی نہ ہو دیکھ رہے پارٹی کرنی ہے ساری پارٹی میں کر رہی ہوں آپ باربی کیوں منگوا لیں چلے جی ذرا کریپ تو ہو جائے سارے سپر اسٹار میگا جی جی